तो आज ना हम बनाएंगे सूजी का चीला। तो मैंने यहाँ पे सूजी का चीला पहली बार ट्राई करा है, लेकिन मैंने खाया बहुत बार है और मुझे रेसिपी बहुत टाइम से पता थी सूजी के चीले की। तो आई वॉज लाइक कि चलो अब बनाकर ट्राई कर ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूद और डिलीशियस बना था, तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें जब भी चीला खाने का मन हो। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब सूजी ली है और उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। याद रखिए एक साथ सारा सारा पानी ना डालें, नहीं तो हमारी जो सूजी है वो गीली हो जाएगी, फिर हमें एक्स्ट्रा सूजी ऐड करनी पड़ेगी परफेक्ट बैटर बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, तो अभी भी मुझे यहाँ पर सूजी ना हल्की सी टाइट लग रही है, तो थोड़ा सा पानी और ऐड करा मैंने यहाँ पर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब ना मुझे लग रहा है कि हाँ, सूजी का जो बैटर है वो परफेक्ट तरीके से अब तैयार है। अब एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ढक्कन देकर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले हमारी जो सूजी है वो हल्की सी टाइट हो गई है, मतलब सूजी के जो दाने हैं वो फूल गए हैं। तो बस आपको याद रखना है कि 10 से 15 मिनट आपको रेस्ट ज़रूर देना है सूजी को। तो अब ना बारीक कटी हुई यहाँ पे प्याज डाला है, उसके बाद डाला टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और बारीक कटी हुई थोड़ी सी डालेंगे हम शिमला मिर्च। आपके पास कोई और सब्जी हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर डाला, नमक डाला, मिर्ची पाउडर। मसाले आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप खाते हो उस हिसाब से मसाले ऐड करें आप इसमें। तो अब ना मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये टाइट है, तो अब ना इस स्टेज में हम इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे दही। कुछ लोग सूजी का चीला सिर्फ दही से बनाते हैं, लेकिन उससे ना वो चीला ज़्यादा खट्टा बन जाता है, इसलिए आपको नॉर्मल खट्टा खाना, मतलब ऐसे टेस्टी वाला चीला खाना हो तो आप इस स्टेज पे दही ऐड करें। तो हल्का सा और दही मैंने ऐड करा है एकदम परफेक्ट बैटर बनाने के लिए। तो अब ना यहाँ पे एकदम बैटर मुझे लग रहा है कि एकदम परफेक्ट बन गया, लेकिन हल्का सा टाइट और लग रहा था मिक्स करने के बाद, तो मैंने बाकी बचा हुआ दही भी इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से कर लिया मिक्स। अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो बैटर है चीले वाला वो बनकर तैयार है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पैन चढ़ाया है, पैन में डालेंगे हम यहाँ पे तेल, तेल को अच्छे से सब जगह फैला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना ब्रश का यूज़ करा है, आप नॉर्मल तेल डाल के भी ऐसे फैला सकते हैं। तो अब ना 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे लेंगे चीले का बैटर। अगर चीला आपको सारे के सारे एक बराबर बनाने हो साइज़ में, तो आप जो चम्मच है उसका यूज़ करें, जैसे आप 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना ले रहे हैं उतना ही लें, जिससे आपके सारे के सारे चीले जो हैं एकदम बराबर बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब बैटर लिया, उसको एकदम जितना हो सकता था उतना फैला लिया, गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए उसको एक तरफ से पका लिया और दूसरी तरफ मतलब पलट दिया। जब आप कच्चे चीले को पलटेंगे तो आपका चीला टूट सकता है, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए आप वेट करें चीले को पकने तक का। तो अब देख सकते हैं इसमें हल्का सा कलर दूसरी तरफ भी आ गया। तो मुझे ना ज़्यादा डार्क कलर का चीला पसंद नहीं है, मुझे इसी तरह का हल्का हल्का कलर का चीला पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर हटा रही हूँ। बाकी मेरी मम्मी जब बनाती है तो वो बहुत डार्क कलर का चीला बनाती है, तो आपको जैसा, अगर आपको डार्क कलर पसंद हो तो आप चीले को थोड़ी देर और इस पैन में रखें, वो हल्का सा डार्क और हो जाएगा। तो हमारा 1 चीला बनकर तैयार है। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ, सेम चम्मच से उतना ही बैटर लिया मैंने यहाँ पे, उसको अच्छे से फैला दूँगी। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे रखा है मीडियम। अगर आपको मैंने जैसा कहा था डार्क कलर चाहिए, तो आप गैस का फ्लेम हाई रखें, आपका चीला जल्दी से डार्क डार्क कलर का हो जाएगा। तो अच्छे से फैला दिया यहाँ पे, ये चीला जो है मीडियम फ्लेम पर पक गया एक तरफ से, तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे टर्न कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो वेजिटेबल्स डाली उसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, और मैंने दूसरी तरफ तेल लगाया और चीले को दूसरी तरफ भी पलट दिया और हर जगह से। आपको ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना, अगर आप ब्रश का यूज़ करेंगे तो आप बहुत कम तेल से मतलब बहुत अच्छे चीले बना लेंगे, बाकी आप ऐसे चम्मच से यूज करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करेंगे चीले के ऊपर, जो खाने में फिर एक अजीब सा टेस्ट आएगा उसका। तो 2 चीले बनकर तैयार है। तो जब भी आपका मन करे बनाकर ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आप, मैंने जो आपको ये रेसिपी बताई वो आपको कैसे लगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।